नमस्कार साथियों, ये सच्ची घटना मार्च 2022 की है। आगरा में एक युवती रहती थी जिसकी एक बेटी उसी के साथ में रह करके पढ़ाई करती थी। दरअसल वो युवती अपने परिवार, अपने पति से और अपने ससुराली जनों से दूर आगरा में रहती थी, क्योंकि उसको अपनी बेटी को पढ़ाना था, या यूं कहें कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई के नाम पर अपने घर से दूर आगरा में रहती थी। उसकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, बेटी का एग्जाम होना था और उसका एग्जाम का जो सेंटर होता है वो आगरा से बाहर चला जाता है। अब वो महिला समझ नहीं पा रही थी कि अब कैसे क्या होगा, इसकी परीक्षा कैसे होगी, इसका एग्जाम कैसे होगा, कौन जाएगा इसको लेकर के वहां पे परीक्षा कराने। तो वो महिला जो होती है उसने अपने एक मित्र, एक युवक को उस बेटी के साथ में एग्जाम देने शहर से दूर भेज दिया। दोनों, वो बेटी और उस महिला का जो मित्र होता है, वो जा करके एक होटल में रुकते हैं वहां पे, और वहां पे कुछ ऐसा करते हैं वो कि जब 6 दिन के बाद जब वो बेटी एग्जाम दे करके अपनी माँ के पास आगरा लौटती है, तो उसकी हालत देख करके उस युवती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो बेटी जो एग्जाम देने गई थी उसके मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है। पूरी घटना जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा जुलाई 2019 में। तो नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। एक युवती होती है जो अपने पति से दूर आगरा चली जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। उसकी बेटी लगभग 18-19 साल की होती है, जो अपनी माँ के साथ रह करके आगरा में पढ़ाई कर रही थी। घटना है जुलाई 2019 की। वो माँ जो होती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी और अपने पति से दूर भी थी, एक दिन मार्केट जा रही होती है आगरा में ही, तो एक रिक्शे वाले को हाथ देती है, कहती है भैया मुझको उस मार्केट तक चलना है। रिक्शा वाला ठीक है, पैसे की बात हो जाती है, बैठ जाती है रिक्शे में। कुछ आगे जाने पर एक युवक और उस रिक्शे वाले को हाथ देता है, वो युवक भी कहता है कि मुझको भी मार्केट जाना है, रिक्शा वाला उसको भी बैठा लेता है। अब जो दूसरा युवक उस रिक्शे में बैठा था, उसने जब इस युवती को देखा तो वो इसकी खूबसूरती को देख करके मोहित हो गया। उसको ऐसा लगने लगा कि इससे बात करनी चाहिए। उसके अंदर ही अंदर उसके मन में भाव आने लगे कि इससे बात करने को वो व्याकुल होने लगा। खैर, दोनों में बात स्टार्ट हो जाती है। बात करते करते दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत पसंद आती हैं। मार्केट आ जाती है। अब दोनों जब रिक्शे से उतरे तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, और नंबर लेकर के जब वो युवती घर पहुंची, वो लड़का उधर अपने घर पहुंचा, दोनों ने फिर से बातें स्टार्ट की, फोन नंबर से बातें होने लगी। धीरे धीरे जो बातें होती थी वो प्रेम में बदल गई। दोनों ने एक जगह मिलने का प्लान बनाया। वहां पे जब पहुंचे दोनों युवक और युवती, तो दोनों ने संबंध बनाए, अवैध संबंध वहां पे बनाए, और एक दूसरे से काफी खुश रहने लगे। इस घटना को हो गए 3 साल, आ गया 2022। इन्हीं 3 सालों में उस युवती और उस युवक का प्रेम इतना परवान चढ़ गया कि वो युवती अब उस युवक को अपने घर में ही बुला लेती थी, घर में उसको रात में रोकती थी और उसी के साथ में रहती थी। उसकी जो बेटी, जो कि उसी घर में रहती थी, वो इन दोनों को देख रही थी। उसने कई बार अपनी माँ को उस युवक के साथ में आपत्तिजनक हालत में भी देखा था, लेकिन वो जो बच्ची थी जो कि पढ़ाई कर रही थी 18-19 साल की, वो अपनी माँ से डर करके ऐसी कोई बात ना अपनी माँ से कहती है, ना अपने परिवार में अपने पिताजी को, अपने दादी बाबा, किसी को नहीं बताती जो कि गांव में रहते थे। घटना ये जो है जारी रहती है, दोनों का मिलना जुलना जारी रहता है। इसी बीच उस लड़की का एग्जाम जो है वो निर्धारित होता है, सेंटर जाना था आगरा से बाहर। तो अब चर्चा होने लगती कि कैसे होगा, ये तो 6 दिन कौन जाएगा वहां पे, कैसे होगा। तो वो लड़की जो होती है, जो कि एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसने कहा मम्मी उन अंकल जी को बुला लीजिए, वही एग्जाम करवा देंगे। तो उसकी मम्मी को ये बात सही लगती है, क्योंकि बीते 3 वर्षों में वो उसी के साथ रहती थी, तो उसको उस पर पूरा विश्वास था। खैर, वो जो युवक होता है
वो भी शादीशुदा था लेकिन उसकी उसके पत्नी से नहीं बनती थी। और इधर ये महिला जो कि उस लड़की की माँ होती, ये अपने पति से दूर थी। तो वो युवक उस लड़की को लेकर के संबंधित शहर जहाँ पे उसका सेंटर गया हुआ था वहां पे जाता है। वहां पे होटल एक बुक करते हैं, दोनों उस कमरे में जाके जब रुकते हैं तो वो लड़की जो 18-19 साल की थी वो उस युवक से कहती है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वो युवक सन्न रह जाता है। वो कहती है मैं अपनी माँ के सामने आपसे ऐसी बात नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं आपको जब घर में देखती थी तो उसी समय मुझको आपसे प्यार हो गया और आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो युवक कहीं ना कहीं वो भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। दोनों अगले दिन मंदिर में जा करके शादी कर लेते हैं, एग्जाम देने गए थे वहां पे शादी कर लेते हैं। जो उसकी माँ का प्रेमी था उस माँ की बेटी से शादी कर लेता है। उसके बाद में वहीं पे सुहागरात मनाते हैं होटल में, 5-6 दिन रुकने के बाद में घर आते हैं। घर जब वो महिला, वो युवती और वो शख्स जो उसकी माँ का प्रेमी था वो लोग जब घर आते हैं, घर में उसकी माँ इंतजार कर रही थी 6 दिन से अपनी बेटी का। अब बेटी जब सामने आई तो उसने देखा उसकी मांग भरी हुई है, उस मंगलसूत्र पहने है। वो कहती ये तुमने क्या किया, अपनी बेटी को बहुत डांटने फटकारने लगती है। बेटी कहती है देखो माँ, तुम मेरे पापा को, पापा के साथ विश्वासघात कर रही थी, उनको छल रही थी, उनके रहते तुम अवैध संबंध बना रही थी, उसी की सजा देने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। अब मैंने भी तुम्हारे साथ इसीलिए धोखा किया है क्योंकि तो तुम मेरे पापा को धोखा दे रही थी। अब देखिए बेटी की मनोदशा, उसने अपने पापा के प्रति तो उसका लगाव, कहते हैं जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, तो उसको ये देखती थी उसको बुरा लगता था। तो उसने माँ को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। दोनों की लड़ाई होने लगती है, वहीं घर में कहासुनी होने लगती है। उनकी लड़ाई देख करके वो जो युवक था जो उसकी माँ का प्रेमी था लेकिन शादी कर ली थी बेटी से, वो भाग जाता है वहां से। भाग जाता है फिर लौट के नहीं आता है। धीरे धीरे घटना को 3 महीने हो जाते हैं, दोनों इंतजार करते रहते हैं माँ बेटी, लेकिन वो लौट के ही नहीं आता। अब दोनों माँ बेटी जाती हैं थाने में, आगरा थाने में, और वहां जाकर के इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जब इस घटना को सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। वो जो माँ थी उसने अपने पति का, अपने परिवार का विश्वास खोया, और जो बेटी थी उसने अपनी माँ को सजा देने के लिए उससे शादी कर ली और उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो एक अवैध संबंध से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने परिवार से दूर रहती हैं, उनको पढ़ा लिखा के एक कुशल और अच्छा नागरिक बनाती हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करती हैं। वो सब बातें ठीक हैं लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। एक गलत रास्ता और आपके बच्चों कि जिंदगी बर्बाद होते टाइम नहीं लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।